ये देखिए हमारा मॉड्यूलर किचन बन रहा है। तो अभी जो है फिनिशिंग बाकी है, 3 दिन हो चुके हैं काम को लगे हुए, तो इतना काम हुआ है और बीच में लाइट भी चली जाती है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और देखिए ये सारे जो है इंस्ट्रूमेंट टेंट के बनाने के, पूरा घर बिखरा पड़ा है। देखिए ये स्टैंड कितनी बाहर लगेगा। तो फिनिशिंग के बाद दिखाएंगे आपको कि हमारा मॉड्यूलर किचन जो है कैसे बना है। और ये हमारा फ्रिज की जो हालत ही ख़राब हो गई है, क्योंकि अब पूरी तरह से डस्ट पड़ रहा है इसमें। ये में कितना कचरा पड़ा है। और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है ना, शाम में आते तो बहुत ज़्यादा जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो ये देखिए मैं गार्डन में, तो घर के पास ही गार्डन, तो ये मेरा गार्डन नहीं है वैसे, तो ये मेरी देवरानी का गार्डन है, जो चाचा ससुर की बहू है उसका गार्डन है, तो उसने लगा रखे हैं। देखिए हिमाचल में हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, पंडोल बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं जो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्नेक वाटर गार्ड। और ये देखिए ये लगा है, कोई टेढ़ा है कोई सीधा है, तो ये भी टेढ़ा है और ये भी छोटे छोटे लगे हुए हैं। देखिए ये भी छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसको। ये देखिए ये निकाल दिया, और ये निकालूंगी इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो अभी मैंने भिंडी निकाल रही हूँ, भिंडी भी निकाल देती हूँ क्योंकि अभी वो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये अभी वो क्या बूढ़ी हो जाएंगी, भिंडी बूढ़ी हो जाएगी, रन लाइक नहीं होगी। और ये जो अगली वाली जो है ना भिंडी, तो इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी अगर इसको नहीं निकालेंगे तो। तो निकाल के रख दूँगी, पता नहीं कब बनाई कब नहीं, लेकिन अभी आज सुबह मैं स्नेक वाटर गार्ड बनाऊँगी, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं सब्जी को। तो मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको कितनी बड़ी भिंडी है। ये भिंडी तो ये मैंने भिंडी निकाल ली है, लेकिन इसमें ना भिंडी निकालते टाइम ना बहुत खुजली लगती है, ये बाल लग गया मुझे, पता भिंडी का बाल लग गया कांटा, तो वो खारिश हो जाती है इसमें। तो ये देखिए ये भिंडी निकाल दी मैंने, और ये और बाकी ये भी है एक। आइए चलिए और बताते हैं आपको, ये है मीटर फली, ये देखिए निकालना है सीओ, ये देखिए ये निकाल के दिखाती हूँ, पहुँच नहीं पा रही मैं। तो ये मैंने फली निकाल दी है, प्रीति देख ले आपके गार्डन की सब्जी मैंने निकाल दी है, तो मैं देवरानी को बता रही हूँ, वीडियो में देखिए कितनी सब्जी निकली है तेरे गार्डन की। अभी हम करेंगे मौज, वो करेगी छुट्टी में मौज माइकिल में, और हम लोग करेंगे सब्जी खा के मौज। तो ये जो सब्जी है मैं सुबह बनाऊँगी, अभी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी सब्जी वगैरह पड़ी है सब, और अभी सुबह बनाऊंगी तो सुबह आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको दिखाती हूँ अभी वुडन वर्क कितना हुआ, कहाँ तक पहुँचा हमारा किचन का जो है वुडन वर्क शुरू हो गया है, और अभी 3 दिन हो गए हैं आज लगे हुए, तो आपको दिखाती हूँ अभी। तो सब्जी आपको सुबह बना के दिखाऊंगी कैसे बनती है कैसे नहीं है, और हमारे यहाँ कैसे बनाते हैं वो मैं सुबह दिखाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है और वो ज़्यादा डस्ट भी पड़ा है, तो क्लीन करना पड़ेगा मुझे पूरा घर। ये देखिए कितना पूरा कचरा पड़ा है, ये देखिए पूरा बिखरा पड़ा है घर, तो सब काम जो इसमें सेटिंग करना पड़ेगी, क्लीन करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा वो जो है क्लीन करना पड़ेगा। और किचन का भी देख लीजिए, मैंने नीचे का नहीं दिखाया आपको, पूरा पूरा हाल है, तो आपको क्लीन करके दिखाती है। तो अभी देखिए मैंने क्लीन कर दिया, और कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है, अभी भी सब जगह सामान जो बिखरा पड़ा है, लेकिन फिर भी जो नीचे डस्ट था ना वो तो चला गया ना, वहाँ सोने को मन भी नहीं होता है, चलने का भी मन नहीं होता है कि कैसे चले। ये रूम आपको दिखाया नहीं मैंने,
ये आज तो बाप रे बहुत कम है। और एक दिन तो ये देखिए, ये जो है ना ब्लू ब्लू कलर, ये सब जगह पूरा दीवारें क्या सब जगह ब्लू ब्लू हो, देखिए सब ब्लू हो गई है। तो ये रूम तो मैंने साफ नहीं किया, ये देखिए सब ब्लू हो गया। देखिए तो ये तो मैं साफ नहीं किया, अभी मैं करती हूँ साफ। मैंने बस सोचा आपको दिखा देती हूँ कि वुडन वर्क काम कर जब वुडन वर्क का जब काम होता है तो कितना सारा कचरा घर में बिखरता है। ऐसा लग रहा है कि घर बनाया ही नहीं है, अभी देखने से ऐसा लग रहा है। और ये बिखरा पड़ा है तो ये इसकी कटिंग कर रहे हैं अभी। तो इस तरह से जो है अभी मैं सुबह मिलूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम है और इस वक्त टाइम 8:30 और 9 के करीब हो रहा है। तो कब जाके क्लीन होगा, कब मैं खाना बनाऊंगी, कब सोने की तैयारी होगी हमारी। और सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि वो सुबह जल्दी आ जाते हैं। तो ठीक है, मैं सुबह मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए, ये मैं अभी बनाने वाली हूँ पंडोल स्नेक वाटर गार्ड। तो इसको अभी क्या करेंगे, पीसेस कर देंगे ऐसे। ये मैंने कट कर दिया, तो इनको ना ऐसे ऐसे करके निकालना। ये जो बर्तन है वाइट कलर की, तो इनको निकालना। लेकिन ये जो, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो शाम को मैंने जो है सब्जी निकाली थी, तो वो मैंने बनाई नहीं है, तो अभी बनाने वाली हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो इनके मैंने छिलके निकाल दिए हैं, अभी छिलके निकालने के बाद इसको वॉश भी कर दिया। अब इनके पीसेस कर लेती हूँ, यानी कट कर लेती हूँ। ऐसे इस तरह से जो उनके पीसेस करने हैं। मैंने कटिंग कर ली है और अभी चलते हैं किचन में। मैंने तड़का डाल दिया है, तड़के मैंने मेथी धनिया जीरा बेसिक मसाले जो हैं डाल दिए हैं। और ये है प्याज चौकी हुआ, अभी इसको हल्का ब्राउन होने देते हैं। साथ में डाल दिया मैंने कड़ी पत्ता, ये हल्का ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर अभी हल्दी डाल दी मैंने, इसकी मिर्ची टेस्ट के अनुसार सॉल्ट, मैंने हरी मिर्च डाली तो मैंने मिर्ची थोड़ी सी डाली रेड वाली, थोड़ा सा गरम मसाला, ये कटे हुए मसाला। अभी डाल दी मैंने सब्जी कटी हुई, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये मैंने मिक्स कर दी अच्छे से, देखिए और इसको ढक्कन लगा के जो है कुक कर देते हैं। तो ये देखिए लौकी और घिया भी आ गया। तो घिया एक जगह से आया है और ये लौकी दूसरी जगह से आई है। तो ये भी एकदम फ्रेश है, आज ही आई है। गांव में ना सब्जी की कमी नहीं होती है, बरसात में खासकर। कभी ये घर से भिंडी आ रही है, कभी दूसरे घर से तोरी आ रही है, कभी घिया आ रहा है, कभी लौकी आ रही है। और आपने देखा मैंने अभी सब्जी निकाली भी है, यानी कि पंडोल की सब्जी बनाई है। तो ये भी हमारे घर की है। तो गांव में ना सब्जियां खाने का ताज़ी का कुछ मज़ा ही अलग है। और बाहर से हम जब लेके आते हैं ना मार्केट में, तो आपको पता है मार्केट में कितने दिनों से चली होती है तब हम तक पहुंचती है वो सब्जी। तो यहाँ तो फ्रेश फ्रेश मिलती है, तो हम लोग यहाँ जितने दिन है उतने हम लोग फ्रेश सब्जी का मज़ा लेंगे। और मेरे को ना 1 महीना हो गया सब्जी बिल्कुल नहीं खरीदी मैंने, तो जो भी है ना सब्जी मैंने तो लगाई नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जो है सब्जी मिली जा रही है। गाँव में इतना फ़ायदा होता रहने का। तो चलिए सब्जी का वेट कर रही हूँ पकने तक। और मेरा नया किचन भी बन के रेडी हो रहा है, आपको दिखाएंगे, आप बने रहना वीडियो में। बहुत मस्त कलर लगाया हमने अपने किचन में और फिटिंग भी बहुत अच्छी हुई है, तो आप वीडियो में बने रहना। अभी थोड़ा सा जो है स्लैब के ऊपर ना उन्होंने अपना जो सामान रखा है जो फिटिंग कर रहे हैं, तो बाद में जो है आपको वो भी किचन दिखाएंगे। तो आप मेरी वीडियो में बने रहना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आपको पता नहीं कैसा लगेगा। और ये मेरा जो है पुराना किचन है, पुराना नहीं है, अभी नया ही है। विलेज किचन बनाया हमने, जैसे हिमाचली लुक दिया है इसमें, तो नया वाला किचन जो है वो अपने हिसाब से ही बनाया है। तो ये थोड़ा पहचान के लिए, यानी हिमाचली लुक देने के लिए थोड़ा सा किचन रखा है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन को पता होना चाहिए
हम लोगों को किचन पहले कैसा था, कैसे घर होते थे, तो वो वाला लुक दिया हमने बैक साइड घर के। ये देखिए, ये देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है। अच्छा बोल रही मेरी मम्मा भी यही बना रही है। तो ये देखिए प्रीशा आ गई, हाय हेलो करो, हाय हेलो। ये देखिए सब्जी बन भी चुकी है, कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने में। तो ये मेरा और ईशु का नाश्ते के लिए हो जाएगी। तो किस किस को ये पंडोल की सब्जी पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो का करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। बाय बाय। हर महादेव।